हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे कटहल कोफ्ता करी। ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। कटहल का सीजन भी है तो आप इस स्वादिष्ट कटहल कोफ्ता करी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कोफ्ता करी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg के अप्रॉक्स कटहल को छीलकर काट लिया है। साथ ही 2 मीडियम साइज के आलू छीलकर छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। अब हम इन्हें अच्छी तरह पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में कटहल और आलू दोनों को एक साथ डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच के जितना इसमें नमक डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा पानी ना डालें। 2 छोटे ग्लास पानी में ये आसानी से पक जाएगा। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस ऑन कर लें और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे। अगर आपका कटहल ज़्यादा सख्त है तो 5 सीटी इसमें लगाएं। तो यहाँ पर इसमें 3 सीटी आ गई हैं। अब इसे अच्छी तरह ठंडा होने दें और ढक्कन खुलने का इंतज़ार करें। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद कुकर का जो ढक्कन है वो खुल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू और कटहल दोनों अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसे अच्छी तरह ठंडा होने दें। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, इसके बाद एक चौड़े बर्तन में कटहल और आलू दोनों डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। ध्यान दें, हमने नमक पहले भी डाला था। साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। और लास्ट में अब इसमें 6 से 7 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। बेसन को इस तरह से हाथों से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, 1-2 चम्मच के बराबर इसमें हम पानी डालेंगे और साथ साथ इसे मैश करते हुए बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इससे ज़्यादा हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पानी और बेसन की ज़रूरत और है तो इसमें थोड़ा सा और डाल दें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन और डाला है। अब इसे मैं अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी। आपने इसको ऐसा तैयार करना है जिससे कि आप इसकी छोटे छोटे कोफ्ते तैयार कर पाएँ। तो ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम ड्राई होना चाहिए। तो इसे आप ऐसे हाथों से मैश करते रहें ताकि बेसन, कटहल और आलू जो है आपस में अच्छी तरह कंबाइंड हो जाए। इसे तैयार कर लेने के बाद आप हाथों को अच्छी तरह धोकर पोंछ लें। अब दोनों हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों में तेल लगा लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें से बैटर ले लूँगी और इसको गोल गोल कोफ्ते का शेप दे दूँगी। तो सेम इसी तरीके से बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम गैस में एक कढ़ाई रख लेंगे, इसमें तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार में 8-10 कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इन्हें एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। लेकिन कोफ्ते निकालने से पहले इनमें जो ऑयल है इसे अच्छी तरह निथार लें। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस बैटर से 20 से 25 कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। इसके बाद सेम कढ़ाई में से ऑयल कम कर दें। अब हम इसमें करी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल एकदम कम कर लिया है। अब इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 इलायची, 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। गैस की आंच एकदम कम कर लें। अब इन्हें अच्छी तरह से भून लें। तो यहाँ पर सभी सूखे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 2 बड़े प्याज ग्राइंड करके डाल दें। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार किया हुआ था। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये एकदम ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें। 1/2 छोटी चम्मच के जितना इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। और लास्ट में 1/2 चम्मच इसमें सब्जी मसाला या फिर चिकन मसाला डाल दें। अब सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर तब तक पका लेंगे जब तक कि तेल मसालों से एकदम अलग ना हो जाए। ये करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह पक गए हैं।
इनसे तेल एकदम अलग हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से जो ग्रेवी है वो एकदम थिक बनेगी। बेसन डालते ही इसे स्पून से चलाते रहें ताकि कोई लम्स ना बने। अब इसे हम 5 मिनट पका लेंगे। तो बेसन को 5 मिनट अच्छी तरह पका लेने के बाद अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल दें। पानी डालते ही इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और अच्छी तरह से इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने दें। ग्रेवी को बीच बीच में चलाते रहें और आप देखेंगे उबाल आते आते ग्रेवी अपने आप ही थिक हो जाएगी। अब इसमें हम तैयार किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी कोफ्ते एक एक करके इसमें डाल दिए हैं। कोफ्ता डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट और ग्रेवी को पका लेंगे। इससे ज़्यादा ग्रेवी ना पकाएं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और लास्ट में इसमें कुछ हरी धनिया की पत्तियां गार्निश कर लेंगे और रेडी है आपकी परफेक्ट कटहल कोफ्ता करी, जिसे आप रोटी या चावल के साथ सर्व करें। इसे मैं चावल के साथ सर्व करूंगी। ये चावल के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हिट अंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेम इज प्रियंका एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।